सो वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस. तो हमें एक नई ऑर्गेनिजम्स, हर तरह की ऑर्गेनिजम्स हमें मिलती है. एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. बेटा मिलियंस में, ठीक है, जैसे आपकी पॉपुलेशन में मिलियंस में जा रही हैं, वैसे एनिमल्स और प्लांट्स भी मिलियंस में. वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. ठीक है, मनी प्लांट कहते हैं हम, ठीक है, और लोकल नेम्स कई जगह पे, यहाँ पर कुछ और नाम है, वहाँ पर कुछ और नाम होगा. ठीक है, सो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन. अब अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे गन्ना, लेकिन वहाँ पर क्या बोलते होंगे, कुछ अलग बोलते होंगे, कोई देश में कुछ अलग बोलते होंगे. ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, यार अब यहाँ ये बोलते हैं, यहाँ ये बोलते हैं, तो इट मे क्रिएट अ कन्फ्यूजन और आप वहाँ के लोगों से बात नहीं कर पाओगे. अरे मेरे को गन्ना दे, बोलेगा कौन बेवड़ा आ गया है यहाँ पर, ऐसे बेवड़े लोग हमारे यहीं आ जाते हैं, तो ऐसे ही बोलेंगे वो लोग अपनी भाषा में. ठीक है, सो हेंस देर इज़ अ नीड टू अ स्टैंडर्ड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमको कुछ एक स्ट्रॉन्गली एक स्टैंडर्ड सी चीज़ चाहिए जिसके हम नेमिंग कर सकें, और उसको हम कहते हैं नॉमनक्लेचर. नॉमनक्लेचर का मतलब होता है बेटा नामकरण, हिंदी में बताऊँ तो नामकरण. ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू एंड दिस इज कॉल्ड दिस आइडेंटिफिकेशन. हमें पता होना चाहिए क्या नाम, और वो जो नाम है वो उसके उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको डिटरमाइन करनी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, सो सबसे पहले इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ सेट. तो एक पूरा प्रोसीजर होता है एक नाम को देने के लिए. ठीक है, जैसे हमारा भी नामकरण करने का एक प्रोसीजर होता है. दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द बायोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड. और ये जो नॉमेनक्लेचर होगा यही हर जगह सबका चलेगा. अपना अपना नाम अब आप निकालो, लेकिन आप अपने वर्ल्ड में यूज़ करो. लेकिन अगर आपको एज इफ नॉमेनक्लेचर कहीं बाहर यूज़ करने का है, तो आपको स्टैंडर्ड वे या आपको उसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर जो सबने डिसाइड किया था वो आपको अपनाना पड़ेगा. ठीक है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया. प्लांट्स के लिए क्या है, किस पर बेस्ड है, एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच इज़ प्रोवाइडेड बाई वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कौन देता है आपको नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमनक्लेचर, आपका नीट का क्वेश्चन. ऐसे मार्क कर देती हूँ, इतना मस्त मस्त मार्किंग कर रही हूँ मैं. ठीक है, सो कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर, ICBN. ठीक है, यू मे आस्क हाउ मैनी एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टॉक्सोनॉमिस्ट. ये तो प्लांट के लिए था, अब एनिमल के लिए अलग है, कौन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर. प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर. द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच इंडिविजुअल हैव ओनली वन. ठीक है, इस साइंटिफिक नेम से हमें क्या बताया कि एक इंसान को पर्टिकुलरली एक नाम मिलना चाहिए, 10 नाम नहीं मिलने चाहिए. ठीक है, एक ही जन के एक बहुत चार पांच जन है और उनका सेम नाम नहीं होना चाहिए. हर एक का नाम टिंकू तो एक का नाम पिंकू, एक का नाम चिंकी नहीं तो एक का नाम मिंकी और डिंकी, ऐसे अलग अलग नाम रहना चाहिए. अब उस परिवार के सदस्य में और किसी का ऐसे नाम नहीं रहना चाहिए. समझ आ रही है मेरी बात. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम टाइम. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर नोन ऑर्गेनिजम्स. और वो इंश्योर करते हैं कि यही सेम चीज़ किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज ना हो जाए. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रूव साइंटिफिक नेम्स टू नो द ऑर्गेनिज्म. ईच नेम हैज़ अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेशल. रट लो, अगर आपका एक नाम है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं. क्या क्या वो दो चीज़ें, जेनेरिक नेम होता है और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट. द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बायोनोमियल नेचर. ठीक है, और ये किसने दिया है बायोनोमियल नेचर, लीनियस भाई साहब हर जगह आ जाते हैं. सो कैरोलस लीनियस ने बोला बायोनॉमिकल नेचर, और बायोनॉमिकल नेचर में आपका क्या आता है, आपका आता है जेनेरिक नेम और आता है आपका स्पेशल एपिथेट. ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम यूज अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ क्या प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम लेटर. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका.
तो लर्न कर लो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। नीट वाले बहुत चंड है बेटा, कुछ भी कहीं से भी पूछ देंगे, ठीक है। तो आप लर्न कर लो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। लेट अस नाउ हाउ इट्स द बायोनॉमिकल नेम। इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस इंडिका एंड इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। तो मैंने क्या अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसका ये एनसीईआरटी आपको बोलना क्या चाहती है, ठीक है। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है। ये जो मैग्नीफेरा है वो आपका जीनस नेम है। किस जीनस से आपका जो मैंगो का पेड़ है वो आया। इंडिका जो है वो आपकी स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम है। तो सबसे पहले आता है जीनस का नाम, फिर आता है आपके स्पीसीज का नाम, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिटेट। अब यूनिवर्सल रूल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, एकदम ध्यान से देखना। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में लिखा जाता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के इरिस्पेक्टिव हम लैटिन को भगवान मानते हैं, हम लैटिन की भाषा में ही बायोलॉजिकल नेम्स लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपके जीनस का रहता है। वेर इज जो सेकेंड वर्ड होता है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट का रहता है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप लिखो मैग्नीफेरा इंडिका या फिर आप लिखो होमो सेपियंस, जो आप हैं होमो सेपियंस के नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, या फिर आपको इटैलिक में उसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस इज ऑलवेज इन द कैपिटल लेटर। तो जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वेयर इज वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो एम जो है वो आपका कैपिटल लेटर में शुरू हुआ है और आई जो है वो आपका स्मॉल लेटर में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल लिख के आपको समझाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस बड़े से पैराग्राफ को डिकोड करने के लिए। तो चलिए, नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब जैसे जिसने भी इसको डिस्कवर किया होगा, ठीक है, जैसे कि मैंगो, जैसे मैंगो को नाम दिया मैग्नीफेरा इंडिका, तो जिसने उसको डिस्कवर किया उसका नाम हम लिख देंगे, ठीक है। सो नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इट इज़ रेटेड इन एन एम्ब्रिएटेड फॉर्म। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो लिन ने क्या किया कि ये स्पीशीज सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी, आपके लीनियस भाई साहब ने की थी, ठीक है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्या कहती है क्लासिफिकेशन हमारी, कि देखो बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ ये चीज़, ठीक है। कहाँ आ गए हम, चलिए अब देखो, सपोज मेरी ये चलो फिजिक्स को हमेशा ब्लू से बनाते हैं ना, तुम्हारी फिजिक्स की वो तो ब्लू कलर की है, तो तुम्हारी फिजिक्स की बुक मैं ब्लू ही कलर की बनाऊंगी। ब्लू कलर की मैंने फिजिक्स की बुक बना दी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लोगो छोटी बनाती हो, इस चीज़ को समझाना ना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तुम्हारी फिजिक्स की बुक है, ये तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक है और ये तुम्हारी है बायो की बुक, है ना। ग्रीन कलर की मस्त बायो की बुक पड़ी है तुम्हारी, फेवरेट, एफ लगा दी थी उधर, फेवरेट, एफ फॉर फेवरेट बेटा, ठीक है, अलग नहीं समझना, ठीक है। सो यहाँ पर बुक्स हैं, ठीक है। मैंने बुक्स को ऐसी रखी हुई है, देखो सारी ऐसी वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू ऐसी पड़ी हुई है आपके टेबल पे, ठीक है। अब आपको मैंने बोला मेरे को बायो की बुक निकाल के दो वॉल्यूम वन वाली, आपने देखा मैम यहाँ तो ढेर पड़ा है कैसे मैं निकालूँ, मुझे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा पर आप निकाल दोगे, राइट। अब वही बुक अगर ऐसी रखी हो, यहाँ एक तरफ फिजिक्स की बुक, यहाँ एक तरफ आपकी केमिस्ट्री की बुक और एक तरफ आपकी बायो की बुक, तो आपको आसान पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अपने पीसीबी को आपने क्या कर दिया, आपने क्लासिफाई कर दिया। तो आपको पढ़ने में और आपको मेरी मनचाही बुक लाने में आपको परेशानी नहीं। तो बात समझ आए आपको क्लासिफिकेशन में कहना क्या चाहती हूँ। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट और इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो मुझे आसानी से, हाँ मेरे को बायो की बुक चाहिए, इसी सेट में कहीं ना कहीं तो बायो की बुक पड़ी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग्स और कैट, जैसे मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है।
द मूवमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. ठीक है, वॉट इमेज डू यू सी वैन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग, नॉट अ कैट. अगर मैं आपको बोलूँ डॉग तो आप डॉग को देखोगे. ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपके भाई बहन, आप अपने भाई बहन को, आप अपनी मम्मी, तो आप अपनी मम्मी को रिकॉग्नाइज करोगे, ना कि किसी और को रिकॉग्नाइज करोगे. ठीक है, ओके. नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टीनियस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट. ओके बेटा, यहाँ पर जो एलिस्टियंस है, ये आपका जो आपका वो था ना जर्मन शेफर्ड, उसका ही दूसरा नाम है. ठीक है, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर. तो मैं मैमल्स बोलूँ, मैमल्स तो आप मैं आ जाएगा भाई जिनके कान हैं, जिनकी बॉडी हेयर है. लाइकवाइज इन प्लांट इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर मैं वीट बोलूँ तो आपको वीट का आ जाएगा. अगर मैं डॉग, कैट, वीट, राइस, प्लांट्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, तो हमने क्लासीफाई कर रखा है, तू डॉग ही रहेगा तो डॉग में सारे डॉग्स को डाल दिया, कैट्स में हमने कैट के सारी ब्रीड्स को डाल दिया. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सा. तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन को क्या कह दिया बेटा, टैक्सा कह दिया. ठीक है, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल. प्लांट एक टैक्सा अलग है, वीट एक टैक्सा अलग है, एनिमल मैमल्स डॉग एक टैक्सा पूरा अलग है. ठीक है, उनकी कैटेगरीज है पूरी, कैटेगरीज मींस टैक्सा. ठीक है, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट्स टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट टैक्सा. तो हम अगर सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम सबको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ कलर. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. ठीक है, तो जो प्रोसेस से हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. क्या पढ़ेंगे उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इस लाइन को. ठीक है, सो देखो कौन से स्ट्रक्चर्स हम लेते हैं. सबसे पहले तो एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों लेंगे अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आर द एसेंशियल्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. ठीक है, हेंस क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. बेटा पूरा खराब कर दिया मेरा, कितना मोटा हाइलाइटर है ये, नहीं चाहिए हाइलाइटर. ठीक है, चलिए. सो हैंस कैरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. ठीक है, पता चल गया आपको. चलो, टेक्सोनॉमी इज समथिंग न्यू, कुछ नॉट समथिंग न्यू. ठीक है, ये कुछ नया नहीं है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बी इंटरेस्टेड, ह्यूमन बींग्स को तो हर चीज़ में इंटरेस्ट है. ठीक है, इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज. जो मतलब का रहता है ना उस पर काम करने में ह्यूमन बींग्स को परम आनंद आता है. ठीक है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. पहले क्या था, खाना, कपड़ा, मकान, यही बेसिक नीड थी. ठीक है, लेकिन अब तो हमको एसी चाहिए, हमको फ़ोन भी चाहिए साथ में, है ना. तो वो तो अब हो गया है बेटा, कोई बात नहीं, उसमें आपकी गलती भी नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग. हर रिलेशनशिप में ह्यूमन बींग्स को बहुत बहुत ज़्यादा थड़ मचती है, उसको हर रिलेशनशिप को जाना है. एंड दस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड एज सिस्टमैटिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखो सबसे पहले जब हम रिलेशनशिप्स को पढ़ रहे थे, जब मैं रिलेशनशिप्स को पढ़ रही हूँ तो मैं उसको सिस्टमैटिक्स कहूँगी. ठीक है, जब मैं रिलेशनशिप्स को पढ़ रही हूँ बेटा, प्लांट और एनिमल, एबायोटिक और बायोटिक की रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपके रिलेशनशिप नहीं बेटा, सॉरी आप तो सिंगल हैं, सॉरी. ठीक है, तो आप उनकी रिलेशनशिप्स की बात हो रही है. ठीक है,
और टेक्सोनॉमिक कर रही हूँ, टेक्सा कर रही हूँ, मतलब मैं डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने आपको नहीं बताई फिर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत बार नीट में पूछी गई है, तो आप एक बार इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, और हाईलाइट कर देना। मैं तो हर चीज़ हाईलाइट करती हूँ, आप बस मेन हाईलाइट करना, मैं मेन हाईलाइट आपका पर्पल से कर दूंगी, ठीक है, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, या फिर ऑरेंज से कर दूंगी, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, सो वर्ड जो आपका सिस्टमैटिक है वो डिराइव है आपका लैटिन वर्ड से, ठीक है। लीनियस यूज सिस्टमैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है यहाँ, तो अब हम इसको अंडरलाइन दूसरे पेन से करेंगे। सो लीनियस भाई साहब जो थे उन्होंने ये सिस्टमा नेचुरा, ये नाम किसने दिया, आपके लीनियस भाई साहब ने, एंड टाइटल फॉर पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बेटा कैरेक्टराइजेशन नहीं लिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर आपके सिर्फ तीन चीज़ ली गई थी, एक आइडेंटिफिकेशन लिया गया था, एक नॉमेनक्लेचर लिया गया था, और एक आपका क्लासिफिकेशन लिया गया था, यहाँ पर आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं लिया गया था। और सिस्टमैटिक्स को सबसे पहले बताया किसने, सिस्टम नेचुरा, और सिस्टम नेचुरा जो बुक थी उसके अंदर क्या था बेटा, उसके अंदर था सिस्टमैटिक्स, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली द सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, एक सिंगल स्टेप नहीं है, एक सिंगल स्टेप नहीं कि कर दिया, ऐसे नहीं होता, उसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सिंस इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट्स कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी एक कैटेगरीज आ जाती हैं तो हम उसको कहते हैं, और उन सारी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोन। तो जो रैंक होगी, एक टॉप सबकी रैंक होगी, उस रैंक को हम क्या कहेंगे, टेक्सोन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन वर्ड्स आ गए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अगर मैं उसको कैटेगरीज कर रही हूँ, कैटेगराइज कर रही हूँ, ठीक है, सबको मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तो मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, सारे कैटेगरीज को अगर मैं मिश्रण कर दूँ, मैं सबको बोल रही सबको एक साथ ले आऊँ, तो मैं क्या कहूँगे, उसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। और टेक्सोन क्या होता है, टेक्सोन तो बेटा वो होता है कि मैं एक पर्टिकुलर रैंक दूंगी, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन एक रैंक को करेगा, तो मैं उसको टेक्सोन कहूँगी, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड, अब देखो क्या इलस्ट्रेशन दी है आपकी प्यारी एनसीईआरटी ने, ठीक है। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन आ गई है। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं बेटो, क्या होते हैं इंसेक्ट्स, जिनके थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, तीन पेयर्स हैं और जॉइंटेड लेग्स हैं, ठीक है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल एंड थस वर गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी, तो हमने बोला कि जिनके भी तीन पाँव एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीन पाँव एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इस रैंक पर आ जाए, तो वो क्या है, इंसेक्ट्स है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, कैटेगरी क्या करेगा, फिर रैंक देगा। ईच रैंक और टेक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक रैंक, ठीक है। दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मर्ली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, तो ये जितने भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं ये टोटली आपके बेस्ड हैं बायोलॉजिकल एंटिटीज पे, और इनका कोई भी हाथ नहीं है मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है, ओके, ठीक। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पीशीज एट द लोअर कैटेगरी, नाउ द क्वेश्चन में अराइज, वाओ वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी बेटा, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। अगर आप किसी को क्लासीफाई कर रहे हो, सबसे पहले आप उसकी नॉलेज लो, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
सो इसके तो यहीं पे आगे बढ़ते हैं, जो है आपका स्पीसीज़, ठीक है।